Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Stephen Gogoi, and today we are going to discuss about the Bank Nifty pivot point and daily chart, and the market trend and market range. So here you can see, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आज 4 hour chart है Bank Nifty का. तो आप देख सकते हैं Bank Nifty pivot point 2481 first resistance 24983 and the second resistance 25114 and third 25256 first support 24710 second support 24568 and the third 24437. So here aap dekh sakte hain yahan pe ये डेली चार्ट है. तो डेली चार्ट में आपको देख सकते हैं ये टोटली डाउन ट्रेंड प्लेस हुआ है, क्योंकि डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं पहले है. मैं थोड़ा स्मॉल करके दिखाता हूं आपको. राइट, तो यहां से आप देख सकते हैं मार्केट कॉन्टिन्यूसली ये अप ट्रेंड में था. राइट, तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन आया था यहाँ पे. राइट, ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत करेक्शन आया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर से मार्केट पुल अप हो गया. और यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन था वो ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, तो ऊपर चला गया. तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रहा है. तो बाद में यहां से थोड़ा लोअर लो क्रिएट किया था. राइट, लोअर लो लाइक यहां पे जैसे क्रॉस ओवर किया था 200 को, भी यहां पे भी क्रॉस ओवर किया. और बाद में ये आप देख सकते हैं ये 50 भी नीचे थोड़ा आया था, फिर से वो ऊपर गया और हायर हाई बनाए. लेकिन इस बार थोड़ा ये और ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट लोअर लो बना दिया इसमें, तो एक रेंज बना दिया यहाँ पे आके, यहाँ पे एक चैनल बना दिया. और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज और ये 150 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज. तो इसमें एक बात कंफर्म होना चाहिए, जब 100 ने 150 का अगर क्रॉस कर दिया तो ये फुल्ली डाउन ट्रेंड प्लेस हो जाएगा इसमें मार्केट, क्योंकि 200 का जो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो सपोर्टिंग लास्ट सपोर्टिंग था उसको ब्रेकआउट करके वो नीचे आके एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया ये रेंज को, जो ये रेंज हमें मिला हुआ है, ये रेंज अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया ये एरिया, तो मार्केट और नीचे आने का चांसेस है. ठीक है, तो इसलिए ये रीजन को आपको कंसर्न होना चाहिए. तो मार्केट यहाँ पे भी बाउंस बैक हो सकता है. राइट, तो इसलिए ये एरिया जो लोअर पॉइंट है, तो इसके लिए हमें एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो मूविंग एवरेज का लाइन है यहाँ पे देख सकता है, अभी भी ये होता है 150 मूविंग एवरेज, 150 मूविंग एवरेज और ये 100 मूविंग एवरेज. नेक्स्ट ये रेड वाला 100 मूविंग एवरेज, तो इसने 100 ने अभी भी 150 को क्रॉस नहीं किया. अगर इसको क्रॉस कर दिया तो उसमें आप पूरा कंफर्म हो जाइए उसमें डाउन ट्रेंड है और मार्केट और बहुत नीचे जा सकता है. तो इसलिए अगर यहां से मार्केट बाउंस बैक होगा तो मुझे लगता है यहां से मूविंग एवरेज भी थोड़ा आपकी तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि ये अभी भी अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज से यहाँ से डाउन ट्रेंड प्लेस नहीं हुआ. जैसे आप यहाँ पे पहले देख सकता है आप, सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा मार्केट नीचे आया था 200 पूरा मूविंग एवरेज का, यहाँ पे भी आया था, बाद में एक पैटर्न फॉर्म करके फिर से ऊपर चला गया. राइट, सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आपको पहले कन्फर्म लेना चाहिए. तो अभी हम देख सकते हैं 4 आवर में क्या हो रहा है. तो 4 आवर में जो ये रेजिस्टेंस लाइन का पास ही है, तो सॉरी सपोर्टिंग लाइन का पास ही है. 4 आवर में तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ से
तो अभी देखना पड़ेगा ये जो सपोर्टिंग लाइन है यहाँ से या मार्केट बाउंस बैक होता है नहीं होता, तो उसके लिए आप कंफर्म होना चाहिए पहले। तो अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में कंटिन्यूअसली मार्केट अप टू गैप डाउन में भी ट्रेड हुआ है, ओपन हुआ है और मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे लास्ट आप यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू किया था ये एरिया से, क्योंकि वो 100 ने क्रॉस कर दिया और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है टू स्टिल। ओके सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।